हमरे बता छोड़ दे हो एना टेल भाई नमन चल जाई ना पीछे जाके चढ़ी ना हेल के तना भिजी देते ना सुखी अरे चली आपने 80 घाट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं वो है 70 घाट। हमारे आगे गोपालगंज है और दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण है। दो ज़िलों के बीच में यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। पुल लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, एक नया रिश्ता बनाती है, एक नया विश्वास बनाती है। और हम अभी 70 घाट में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से नदी के उस पार खड़े हैं, जहाँ से गोपालगंज शुरू होता है और हमारे पीछे पूर्वी चंपारण है। यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है और ये पुल 60 मीटर लंबा है। हर स्पेन पे इसके जो सेगमेंट रखे हुए हैं, बॉक्स सेगमेंट है ये। इसमें आजकल पुल जो बन रहा है थोड़ा थोड़ा सेगमेंट बाहर से बना कर रखा जाता है, लेकिन ये इसी पे बनाया गया है। और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच की दूरी को कम करेगा। केसरिया स्तूप है हमारे पीछे और ये जो पुल है अपने आप में एक अनूठा है। और गंडक नदी के ऊपर ये पुल बन रहा है, आप देख सकते हैं गंडक नदी के ऊपर पुल बन रहा है। और जून 2016 में पूरा होना था इसे, लेकिन प्राकृतिक और टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया पूरा ये। अब एक साल का और टारगेट रखा गया है इसे पूरा होने का। अब सन के अगेंस्ट में है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। ये है पुल, काफ़ी मुश्किल हो रहा था लोगों को इस पार से उस पार आने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे एक गांव दूसरे गांव में रिश्ता नहीं कर पाते थे इसी पे, कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण। लेकिन इस पुल का निर्माण हो जाने से गोपालगंज और ईस्ट चंपारण का दूरी काफ़ी कम जाएगा। और बौद्ध सर्किट है यहाँ पे, केसरिया स्तूप है आगे उस पार, तो केसरिया स्तूप होने के कारण यहाँ पे जो बौद्ध के अनुयायी हैं, उन जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या फिर और भी जो भी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे आसानी से आ पाएंगे। उनके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और भी कई बातें होंगी इस पुल के निर्माण से पूरा होने से, और काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। हालांकि अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है। जून 2017 में पूरा होना था, लेकिन एक साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। बाढ़ के कारण और कई सोशल इशू के कारण ये पुल कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन जून 2018 तक ये पूरा हो जाएगा। और ये बहुत कुछ जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।